सभी को जय मसीह की। जीसस थ्रू आउट द बाइबल एपिसोड 42 में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत से अनुग्रहित करे और आशीषित करे। मैं प्रेमी पिता परमेश्वर का और पास्टर टेरी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझको यह सुंदर अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के विषय में कुछ बातें कह सकूं। आज मैं आप लोगों के साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से चित्रित किया गया है उसके विषय में बात करना चाहूंगा। अक्सर जो है हमसे कोई कमजोर व्यक्ति जब उसका आमना सामना आपके साथ होता होगा या मेरे साथ होता है तो उसको कमजोर जाने बगैर या उसकी कमजोरी जाने बगैर हम उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। यही आजकल प्रभु यीशु मसीह के नाम के साथ हो रहा है। मैं सेवा करता हूं और सेवा कलीसिया में करता हूं। कई कई लोग प्रभु यीशु मसीह को कई तरह से देखते हैं। जैसे कि मैं जो है ज्यादातर ऐसा सोचता हूं क्योंकि जो लोग रविवार को कलीसिया आते हैं वो होते हैं ऐतवारी मसीह। ऐतवारी, समझ रहे हैं आप, इतवार को कलीसिया आने वाले लोग हो गए ऐतवारी मसीह। जो सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं वो हो गए चंगाई वाले मसीह। जो त्योहारों में आते हैं वो होते हैं त्योहारी मसीह। और ऐसे ही कई तरह के मसीह होते हैं और हर एक व्यक्ति का यीशु मसीह को देखने का नजरिया भी अलग होता है। कोई सोचता है कलीसिया जाएंगे यीशु मसीह से मांगेंगे चंगाई हो जाएगी, कोई सोचता है बीमारी ठीक हो जाएगी, कोई सोचता है पैसा मिल जाएगा। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार की इस पुस्तक में बड़े ही स्पष्ट तरीके से इस बात को समझाया और बताया गया है कि किसी भी वजह से अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को हल्का आंकने की आवश्यकता नहीं है। वो एक चंगाई करने वाले या छुटकारा देने वाले या पैसा देने वाले या कोई दूसरी चीज नहीं, उन सब से कहीं ऊपर और कहीं बढ़कर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में अगर किसी व्यक्ति ने भी उसको ध्यान से पढ़ा होगा या समझा होगा तो वो इस बात को पूर्ण विश्वास के साथ बोलने पाएगा कि प्रभु यीशु मसीह कई हमारे सोचने से बहुत बढ़कर है, बहुत ज्यादा बढ़कर है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उसके बाद लिखा है यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। यानी कि सब चीजों का कर्ता प्रभु यीशु मसीह है। तो ये लेखक प्रभु यीशु मसीह को सब चीजों का कर्ता बता रहा है। लेकिन मैं कहूंगा, आपसे भी कहता हूं और अपने आप से भी ये कहता हूं कि सर दर्द, नाक बहना, पेट में दर्द, लूज मोशन, बदन दर्द से कि चंगाई से कहीं बढ़कर है यीशु मसीह। और यीशु मसीह को नेवर अंडर एस्टिमेट। आप लोग अपने विश्वास में प्रभु यीशु मसीह को कभी भी हल्का ना लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कौन है? सब चीजों को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। और वचन की गहराई को समझने का प्रयास कीजिएगा, कुछ भी चीज उसके बिना उत्पन्न ही नहीं हुई। तो ये आज जो लोग बोलते हैं कि नहीं ये प्रभु यीशु मसीह से नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ी बात है, ये कलीसिया के लोग नहीं कर पाएंगे, ये पास्टर नहीं कर पाएंगे। पास्टर या कलीसिया के लोग कुछ नहीं करते हैं, जो भी करता है वो प्रभु यीशु मसीह करता है, क्योंकि सब चीजों को उत्पन्न करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे और बहुत आयत से बढ़ाए और इस वीडियो को भी बहुत प्रेम दीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद। जय मसीह की।